मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों चंडीगढ़ विखे मीटिंग करके जलंधर प्रशासन नूं लतीफपुरा ढाई जाण तों बाद पैदा होए मुद्दियां नूं हल करन दे निर्देश दिते जाण तो 2 दिन बाद स्थानक विधायकों ने सर्किट हाउस विखे प्रभावित परिवारों नाल मीटिंग की। इस तों बाद अज कारोबारी दिनेश तेर उत्ते लतीफपुरा विच जमीन दियां जाली रजिस्ट्रियां करवाउण अते कथित दोषां तहत परचा दर्ज कर लिया गया। दिनेश तेर खिलाफ इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे चेयरमैन जगतार संघेड़ा ने जलंधर पुलिस कमिश्नर नू लिखती शिकायत दिती सी। इन्ना ही नहीं, पिछले दिनी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वल्लों लतीफपुरा दे विच कीते एक्शन च दिनेश तेर अपने आप नू पीड़ित दस रहे सन। दस दिए कि तेर मूल तौर ते सुल्तानपुर लोधी दे रहन वाले हन। दिनेश तेर पिछले साल ही आम आदमी पार्टी च शामिल हुए सन। इत्थे दसना बनता है कि जलंधर पुलिस ने दिनेश तेर विरुद्ध लतीफपुरा साइट तो कथित तौर ते उसके नां ते 10 जाली रजिस्ट्रियां कराउण लई धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। कथित तौर ते तेर कोल जो रजिस्ट्रियां सन उन्हां विच खसरा नंबर नहीं सन। लतीफपुरा मुड़ वसेबा सांझा मोर्चा दे मैंबरां वल्लों बीते दिनी सूबा सरकार अते जलंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दा पुतला फूंकिया गया सी। पिछले सोमवार नूं वी उन्हां ने अपने चल रहे अंदोलन ते तहत फगवाड़ा जलंधर हाईवे अते रामा मंडी नेड़े रेलवे ट्रैक नूं 4 घंटियां तों वध समें लई जाम कर दिता सी। इत्थे इह कहना गलत नहीं होवेगा कि इह मुद्दा सरकार लई वड्डी सरदर्दी बन चुका है, खास तौर ते जदों सारियां विरोधियां पार्टियां दे प्रमुख नेतावां ने GIT द्वारा 9 दिसंबर नूं उन्हां दे घर ढाए जाण तों बाद प्रभावित 27 परिवारां नाल हमदर्दी प्रगट कीती है। प्रशासन वल्लों समें समें ते जलंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट स्कीम दे खेतर च करीब 10-10 लाख रुपए की कीमत दे 2 BHK फ्लैट देण दी पेशकश भी कीती गई, पर पीड़ित इत्थों जाण लई तैयार नहीं हन अते मुड़ वसेबे लई जोर दे रहे हन। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉट न्यूज़ इंडिया।